फ्रेंड्स, 1855 में फ्रेंच के एक साइंटिस्ट के द्वारा एडी करंट को डिस्कवर किया गया था और इन साइंटिस्ट का नाम था लियोन। और इस साइंटिस्ट ने यह बताया था जो एडी करंट होता है वो एक भंवर के जैसे प्रतीत होता है। और फ्रेंड, जो हिंदी में मीनिंग होती है एडी की, उसका भी मतलब होता है कि भंवर, इसीलिए उस साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था एडी करंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एडी करंट क्या होता है और एडी करंट कहां से प्रोड्यूस हो जाता है और एडी करंट को अपन मिनिमाइज या कम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। फ्रेंड देखिए, अपन ने ट्रांसफार्मर के एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि एडी करंट क्या होता है और एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, मैंने इस ट्रांसफार्मर सप्लाई दे के रखी है। तो यहाँ से ये वोल्टेज अपन इस वाइंडिंग में देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। कहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा, इसके कोर में, ठीक है। फ्लक्स की वजह से इसके कोर में भी करंट फ्लो होने लगेगा। इसी करंट को अपन क्या बोल देते हैं, एडी करंट बोल देते हैं। और जो एडी करंट होता है वो एक लॉस होता है, इसका एडी करंट का कोई भी यूज़ नहीं होता अपने सिस्टम में। और जो एडी करंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो अपना कोर है ना फ्रेंड्स, ये गर्म होने लगता है। और जब ये गर्म होगा तो अपन की जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। और हो सकता है कि ज़्यादा अगर एडी करंट हो जाए तो ये इसका जो कोर होता है ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसकी वाइंडिंग भी जल सकती है और ट्रांसफार्मर डैमेज भी हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एडी करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। अब फ्रेंड्स, एडी करंट तो प्रोड्यूस हो गया है, अब एडी करंट को अपन को कम कैसे करें। फ्रेंड्स, आपको पता है करंट को कम कैसे करेंगे, फ्रेंड्स रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू अगर अपन बढ़ा देंगे तो करंट अपने आप कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एडी करंट ज़्यादा है, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो करंट कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन एरिया को कम कर दें, किसके एरिया को, ट्रांसफार्मर के कोर के एरिया को अगर अपन कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो अपने आप एडी करंट कम हो जाएगा। यही तो अपन को चाहिए था ना, कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कम हो जाए, एडी करंट की वैल्यू कम हो जाए। अब फ्रेंड्स, जो ये कोर होता है ट्रांसफार्मर का, ये क्या होता है, ये सॉलिड, ठीक है, सॉलिड नहीं होता है। ये क्या होता है, एक पत्ती के फॉर्म में, एक स्ट्रिप के फॉर्म में बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रिप होते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, एरिया अपना कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया है कि अगर एरिया को अगर कम कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो ये कोर होता है, मैं फिर आपसे बता दूँ, ये कोर होता है सॉलिड नहीं होता है, यानी इसके स्ट्रिप बाय स्ट्रिप यानी लेमिनेटेड कोर होता है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं, स्ट्रिप होती हैं कोर्स की, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, एरिया अपना कम हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि इसके जो एरिया को कम कैसे किया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये ट्रांसफार्मर का कोर मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए, जो एडी करंट होता है वो देखिए इस तरीके का सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि एक भंवर के जैसे ये होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट। और ये ट्रांसफार्मर के कोर में प्रोड्यूस हो जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो सॉलिड कोर नहीं होता है, सॉलिड का अगर कोर होगा तो यहाँ पर ज़्यादा एडी करंट होगा। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो क्या होता है, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप उसको लगाते हैं। जैसे ये देखिए, सिंगल लेमिनेटेड लगा है, देखिए ये एक स्ट्रिप हो गई, दो स्ट्रिप हो गई, तीन स्ट्रिप हो गई, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एक जॉइंट कर देते हैं, उसके बाद कोर अपना बन जाता है। ऐसे करने से फ्रेंड्स क्या होगा, जो एरिया होता है यहाँ का, ठीक है, ये एरिया होता है ये कम हो जाता है। और एरिया अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, अपने आप करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडी करंट क्या होता है और एडी करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है और उसको अपन कम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, जो ट्रांसफार्मर का ये कोर होता है ये सॉफ्ट आयरन का भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें जो लेमिनेट हो ये सिलिकॉन स्टील का इसमें लेमिनेशन करते हैं। फ्रेंड्स,
अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडी करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, वहाँ पर मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर विजिट करना, इसमें भी मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को भी प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।